तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? जिसको अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। तो बजट पेश हो चुका है, निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी है, लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं वो हम आपको लगातार सुना रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से यही कहा जाएगा कि ऐतिहासिक है और वो इसे बता भी रही है, लेकिन विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट इंडिया आपको पहले भी जानकारी दे रहा था कि बैलेंस्ड भी रहेगा, जिस तरीके से कुछ राज्य जो कि विशेष दर्जा चाह रहे थे अब उन्हें यहां पर खुश कर दिया गया है। और जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सर एक बार फिर से बता दें, 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा क्या सस्ता क्या महंगा वो भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा, 26,000 करोड़ का प्रावधान रहेगा। महिला और लड़कियों के लिए योजनाओं के लिए 3,00,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि 4 जातियां हमारे लिए बेहद खास है, फिर वो चाहे महिला की बात हो, गरीब की बात हो, अन्नदाता की बात हो या फिर युवाओं की बात है, इन सभी के इर्द गिर्द इस पूरे बजट को बुना गया है। लेकिन जो खास राज्य रहे ये जरा देखिएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भी तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया गया। अब जैसे गया की बात करें तो औद्योगिक केंद्र इसे बनाया जाएगा।